खबर हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के 9 एमएलसी सीटों को लेकर घमासान जारी है। तमाम राजनीतिक दल कैंडिडेट्स को लेकर लगातार माथापच्ची कर रही थी, लेकिन अब कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान होने लगा है। पहले जेडीयू ने 3 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद आरजेडी ने भी कर दिया। अब बीजेपी के पाले में जो 2 सीट है, उस 2 कैंडिडेट का भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से संजय मयूख एमएलसी बनाए जाएंगे, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरण को बनाने के लिए सम्राट चौधरी को इस बार बीजेपी एमएलसी बना रही है, विधान परिषद भेज जाएंगे सम्राट चौधरी। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो समीकरण बन रहे हैं, इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। क्योंकि लगातार जो ये एमएलसी चुनाव हुआ है या जो होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया जारी है, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। आरजेडी के कोटे में 3 सीट है, जेडीयू के कोटे में 3 सीट है, बीजेपी के कोटे में 1-2 सीट है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट है। तो ऐसे में किसके हिस्से में, मतलब कौन सी पार्टी किसको तवज्जो देती है, किन्हें विधान परिषद भेजती है, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी थी। पहले तो जेडीयू ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें भीष्म साहनी, गुलाम गौस और कुमुद वर्मा हैं। उसके अलावे आरजेडी ने जो जिन 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें सुनील सिंह, फारूक शेख और रामबली सिंह का नाम है। वो सब आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, 12 बजे आज उनका नॉमिनेशन हो भी जाएगा। और बीजेपी ने भी 2 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें संजय मयूख को दोबारा विधान परिषद भेजा जाएगा। साथ ही साथ इस बार सम्राट चौधरी को मौका मिलने वाला है। तो क्या कुछ होता है, नॉमिनेशन आज होगा और 6 जुलाई को चुनाव होना है, कैसी खींचतान होती है, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट है, कांग्रेस से कौन जाएंगे इस बार विधान परिषद, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बढ़ रहे हैं टाइम्स के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।